friends, as we have earlier seen the relation between the speed and velocity. Now we are going with some more numericals related to average speed and average velocity. Before going with the solution, I have to clarify your average speed and average velocity topic first. Average velocity क्या होती है आपको एकदम मतलब average speed कुछ नहीं है. एक reason होता है कि आप किसी दो path में जा रहे हैं और आपका motion non uniform है. जब आपका motion non uniform होता है तभी ये चीजें calculate की जाती है. Suppose दो जन के पीछे सब mean निकालते हैं ना, same उसी type का आपका average निकलेगा. Now we are starting with the first numerical. Suppose a bus travel for 240 km with a speed of 80 km per hour. It covers 360 km at a speed of 90 km per hour. What is its average speed? देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला, एक बस है. सपोज ये बस है, ये क्या कर रही है, आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. इस डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है तो उसके तीन स्टॉपेज आएंगे. मान लो ये ए पॉइंट पे, फिर ये बस यहाँ बी पॉइंट पे पहुंची. ठीक है, जब ए से बी चालू करी तो ये फर्स्ट ट्रेवल, आपका फर्स्ट ट्रेवल हो रहा है. कितना किलोमीटर जा रहा है यहाँ पे, वो 240 किलोमीटर जा रही है. और क्या लिखा, विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. मतलब मैं आपकी यहाँ पे स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर. देखो आपको डायरेक्टली बता दिया ये चीज क्या है, आपकी स्पीड है जो क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है. और जब भी 240 किलोमीटर, मतलब वो किलोमीटर है ना, मतलब वो क्या होगा आपका वहां पे डिस्टेंस होगा. ये चीज आपको रिमाइंड रखना है. नाउ यहाँ पे आपका फर्स्ट केस बना, ठीक है. नाउ सेकंड, इट कवर्स 360 एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर. मतलब वो आगे बढ़ रही है बस, और आगे जा रही, कितना जा रही, सी पॉइंट तक जाए, सपोज ऐसा कर सकते हैं अपन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 360 किलोमीटर हो रही है, अपना केस टू बना. 360 किलोमीटर और यहाँ पे जा रहे 90 किलोमीटर स्पीड जा रही है, तो 90 किलोमीटर पर आवर. अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए दोनों. सबसे पहले यहाँ पे 240 किलोमीटर है, यहाँ पे 360 किलोमीटर है. यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आ रहा है. मतलब आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन इधर का भी दोनों का अलग आएगा. तो आपका ना ही डिस्टेंस सेम है, ना ही टाइम ड्यूरेशन सेम है. दैट्स व्हाई ये जो चीज है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए काम आता है. चलो अपन जाते हैं केस वन के लिए. केस वन क्या था, 240 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आप लोग को यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, देखो टाइम नीचे है ना, मतलब डिवाइड में, उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो स्पीड से मल्टीप्लाई होगा, और स्पीड जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगी, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगी. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस कितना दिया है डी 240 और टाइम कितना दिया 80. तो ये कितना आया, कैंसिल करें, 8 × 1 = 8, 3 × 3 आवर. आवर क्यों लिखी मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वो आवर में दिया था, इसीलिए मैंने वो चीज को किस में लिखी, आवर में लिखी. ठीक है, तो ये जो टाइम निकलेगा, मान लो वो टी नंबर वन निकला, क्योंकि ये केस वन का है, तो अपन यहाँ पे इसको डी वन और एस वन कर सकते हैं. सिमिलरली वी आर गोइंग विद द केस टू. केस टू में क्या है, डिस्टेंस दिया है आपको 360 किलोमीटर और आपको स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, यहाँ पे केस टू है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेस पे क्या लिया है, टू ही लिया है. अगेन टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, डी अपॉन एस, वही टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हाँ, तो अपन क्या करें, टाइम, अब यहाँ पे सब केस टू था ना, तो इसीलिए यहाँ पे सबको मैं टू टू लिख सकती हूँ. सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. टी वन इज इक्वल टू डी वन अपॉन एस वन, दोनों एक ही, मतलब ये फॉर्मूला एक ही चीज है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं. अब दिस डी टू कितना आपका 360 और स्पीड कितनी है 90. अगेन 0 0 कैंसल, 9 × 1 = 9, 4 × 4 = 4. और आवर क्यों लिखी हो, आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पे आवर दिया हुआ है, इसीलिए आपको आवर लिखना है. ये आपका निकला टाइम टू. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेसिक क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है. तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. एवरेज स्पीड अपन ने प्रीवियसली भी देख चुका है, एक बार और बता रही हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस मतलब जो फर्स्ट केस का डिस्टेंस होगा और जो सेकंड केस का डिस्टेंस होगा, वो दोनों को लेना है. तो फर्स्ट केस का डिस्टेंस कितना है आपका डी वन प्लस इसका डी टू, वैसे ही टाइम कितना है टी वन प्लस टी टू. तो डी वन कितना है आपका यहाँ पे 240, ऊपर पे अपन ने देख चुका है 240 है, और डी टू कितना है 360. तो दोनों को क्या करेंगे अपन, एड करेंगे. सिमिलर नीचे वाले को टाइम क्या है 3 hr और 4 hr, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 3 + 4 कैलकुलेट करेंगे जब अपन इन दोनों को. तो जब टोटल किए तो ये आया आपका 600
और ये आया आपका 7 अंक। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 85.71 किलोमीटर पर आवर। हाँ ये तो हमने क्या करा, इस न्यूमेरिकल में क्या देखा, आपकी एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे इजीएस्ट मेथड है आपको कोई भी चीज को कैलकुलेट करने का कि आप दो केसेस बना लीजिए। जब दो केसेस बनाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा कि आपको पहले से वैल्यूज को थोड़ा पता चल जाएगा कहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही है। और डायग्राम की हेल्प से क्या होता है, केसेस बनवाने में ईजी हो जाता है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन को अगर बार बार रीड नहीं करना पसंद है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से केसेस को अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए क्वेश्चन को, जिससे थ्रू आपको केसेस बन जाएगा। और केसेस बनवाने के कारण आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूले से डायरेक्टली आपको सारी वैल्यूज का पता चल जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा। नाउ हियर वी गो विद द सेकंड न्यूमेरिकल। आवर सेकंड न्यूमेरिकल इज अ कार ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहीं तक मैं न्यूमेरिकल पढ़ रही हूँ, इसके आगे नहीं पढ़ रही। क्या हो रहा है, कार मेरी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है कुछ डिस्टेंस। सपोज ये कार है आपकी, ये क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कुछ डिस्टेंस मान लो यहाँ तक जा रही है मेरी कार, यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार मेरी पहुँच गई है, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की मतलब मैं इसको क्या लूंगी, केस वन। अब वो बोल रहा है रिटर्न विद स्पीड ऑफ 40। रिटर्न हो रहा है ना, मतलब अभी बी से वापस कहाँ पे आ रही है मेरी कार, ए पे आ रही है, तब उसकी स्पीड कितनी हो रही 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको क्या ले लूंगी, केस टू। इसका मतलब मैं ए से बी जा रही हूँ तो मेरा केस वन बन रहा है। और केस टू कब बन रहा है, जब मैं बी से ए में रिटर्न बैक आ रही हूँ। चलो अब इसमें मैं आपको यहाँ पे क्या लिखी, एवरेज स्पीड लिखी ना होल जर्नी की, इसमें मैं आपको एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है अपन। अब आप बताना एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी। ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, क्या बोला है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपकी वो स्पीड दे दी है स्पीड नंबर वन 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया है क्या, चलो नहीं दिया ना। आप मेरे को बताओ, जैसे आप घर ए से बी जा रहे हो और बी से वापस ए तक ही आ रहे हो, कहीं और नहीं जा रहे हो बीच में, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा दोनों जगह के लिए सेम होगा, क्योंकि आप कहीं और नहीं जा रहे, आप डायरेक्टली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हो, दूसरे पोजीशन से वापस रिटर्न बैक अपने पोजीशन पे आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ का डिस्टेंस भी एक्स अपन ने लेट करके अज्यूम कर लिया, और यहाँ का भी डिस्टेंस एक्स अपन ने लेट करके क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। एक्स दोनों सेम रहेगा क्योंकि मेरा दोनों केसेस के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। फर्क क्या है, स्पीड का है। स्पीड कितनी सेकेंड केस के लिए 40 किलोमीटर, तो स्पीड नंबर टू में क्या लिख दी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डी टू लिख सकते हैं आप, डी वन डी टू कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केसेस में अगेन टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मैं फिर से टाइम निकालूंगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट नंबर का टाइम है इसलिए टी वन टी टू। डिस्टेंस कितना है एक्स, स्पीड कितनी है 50, तो ये आ गया एक्स अपॉन 50। इसको वैसे का वैसे ही रहने देना। सिमिलरली यहाँ पे टी टू निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेकेंड है इसलिए सेकेंड सेकेंड डाल दिए। डिस्टेंस कितना है आपका एक्स, और स्पीड कितनी है 40, तो x अपॉन 40 आ गई। अब मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले आपको टाइम यहाँ पे फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं अलग से सबसे पहले टोटल टाइम कैलकुलेट कर लूंगी। टोटल टाइम मतलब x अपॉन 50 प्लस x अपॉन 40। नाउ यहाँ पे देखो x अपॉन 50 है ना और x अपॉन 40 है, तो आपका दो तीन मेथड है सॉल्व करने का। आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर सकते हो, एलसीएम क्या निकाल सकते हो, एलसीएम ऑफ 50 एंड 40। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो जब एलसीएम निकल गया आपका 200, अच्छा जिसको एलसीएम निकालते नहीं आता है उसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अपन कैसे निकाल सकते हैं। 50-40 ना मेरे लिए इजी फंडा, मैं आपको बता रही हूँ जो मैं एकदम जनरली यूज करती हूँ, दोनों जगह 0-0 ना, इसका मतलब 10 से जाएगा, तो आपका 5 और 4 बच गए। और 5 और 4 किसी की टेबल में आता है, ये अपने आपके टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 5 को एज इट इज लिखते हैं, अगेन ये 5 सिर्फ अपने 5 के टेबल में, बिकॉज ये प्राइम नंबर है, तो ये आ गया। तो इनको सबको आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 10 2s are 20, 20 2s are 40, 45s are 200, इसीलिए आ गया आपका 200। देखो यहाँ पे क्या है, x है तो x को पहले से लिख देना। 50 के टेबल में 200 कितने टाइम्स आता है मेरे को भी नहीं पता कितने, तो ये एक एक जीरो को हटा दो, एक जीरो हटाए तो यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे क्या बचा
फाइव बचा, तो फाइव के टेबल में ट्वेंटी कितनी बार में आता है, फोर बार में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दिए, फोर। सिमिलरली एड है तो एड का निशान और एक्स का एक्स, सिमिलरली यहाँ पे एक जीरो हटाना और फोर के टेबल में ट्वेंटी कितनी बार पे आता है, फाइव टाइम्स, तो अपन ने लिख दिया फाइव। ये भी x है, ये भी x, इसीलिए ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो 4 प्लस 5 कितना आया, 9x, और नीचे पे कितना चल रहा है, 200, तो ये आपका क्या निकल गया, टोटल टाइम। वैसे ही आप यहाँ पे क्या निकालेंगे नेक्स्ट में, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d1 प्लस d2, d1 आपका यहाँ पे अपन ने देखा था कि दोनों जगह के लिए d क्या था, सेम था, यहाँ पे भी x था और यहाँ पे भी x था, इसीलिए दोनों क्या करें, x प्लस x, ये कितना आ गया, 2x आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो ये आपको करने वापस से लिखना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ अभी। एवरेज स्पीड कितना हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है इधर पे 9x/200, तो ऐसा ब्रैकेट बना के 9x/200 लिखना, और ये मेन आपका वो रहेगा डिविजन वाला लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे पे फ्रैक्शन में जब भी होता है ना कोई भी चीज, तो ये जब ऊपर जाती है, डिवाइड डिवाइड जब मल्टीप्लाई बनता है, तो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है। अब देखो, एक्स एक्स कैंसल, कितना बचा, 2 × 200/9, ये कितना आएगा, 400/9, जब 4, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिवाइड करके 44.44 किलोमीटर पर, अच्छा मैंने यूनिट यहाँ पे किलोमीटर पर आ ली, क्यों ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों जगह किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, इसीलिए आपकी एवरेज स्पीड की भी यूनिट क्या निकलेगी, किलोमीटर। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर अवर न्यूमेरिकल्स, एवरेज स्पीड अपनी कितनी आई, 44.44 किलोमीटर पर आर। ऐसा नहीं कि आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करो, आप इसको ऐसे भी रखोगे तो भी आपका क्लियर है, ये अपना यहाँ पे क्या निकल गया, आंसर कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन में भले एवरेज वेलोसिटी नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको एवरेज वेलोसिटी ही बताऊंगी कितनी आती है। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। अब देखो बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, और बी पॉइंट से वापस अपने प्रीवियस पॉइंट में आ जा रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मैं घूम के अपने ही घर पे वापस आ रही हूँ, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं ए से ए पे आ रही हूँ, इंडायरेक्टली वो क्या हो गया, जीरो, और जीरो अपॉन कोई भी चीज लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, इसीलिए इसका आंसर है जीरो किलोमीटर पर आवर, मतलब एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या कितनी निकली आपकी, जीरो निकली। मूव ऑन विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब थर्ड न्यूमेरिकल, ऑन अ 100 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मैं यहीं तक ले रही हूँ क्वेश्चन, आपको इसको एक बताते हैं। ऑन अ 100 किलोमीटर ट्रैक, मतलब आपका ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रैक है, ये टोटल आपका ट्रैक आपका 100 किलोमीटर का, मतलब आपको ओवरऑल टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलोमीटर, ओके। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब ट्रेन जो है, सपोज यहाँ तक आपका पी पॉइंट है, ए से पी कितना है 30 किलोमीटर, यहाँ पे अपना केस क्या हो गया, फर्स्ट बन गया, तो केस वन कितना हो गया, डी डी 30 किलोमीटर। अब उसने बोला एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब स्पीड नंबर वन, डिस्टेंस वन, 30 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अब वो बोल रहा है हाउ फास्ट, फास्ट का मतलब ये याद रखना कि आपको स्पीड निकालनी है, मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 70, ऑब्वियसली बात है टोटल आपका 100 मीटर का ट्रैक है, उसमें पी तक का पॉइंट, मतलब ए से पी 30 किलोमीटर अलग हो गया है, तो आपका बचा कितना 70 किलोमीटर, 100 माइनस 30, दैट्स व्हाई 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर का ये क्या हो गया सेम। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 70 किलोमीटर, इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है आपका कि नेक्स्ट 70 किलोमीटर के लिए आपका कितना स्पीड होगी, मतलब आपकी स्पीड नंबर टू क्या है, क्वेश्चन मार्क है, आपको वो चीज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और सो एज द एवरेज स्पीड, आपको एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे पहले से, क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड आपको पहले से गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर है वो अपना क्या हुआ केस नंबर टू, आपको डिस्टेंस नंबर टू कितना दे दिया है 70 किलोमीटर,
स्पीड नंबर टू क्वेश्चन मार्क है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रही कितना है एक्स, लेट करके ले रही उसको, ठीक है। जैसे अपन ने प्रीवियसली सॉल्व किया है, टाइम नंबर वन निकाला है और टाइम नंबर टू निकाला है, तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे टाइम वन और टाइम टू। चलो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम नंबर वन निकालना है, टाइम नंबर वन मतलब फिर से सेम फॉर्मूला डी वन अपॉन एस वन, ये याद हो जाएगा, इजी है फॉर्मूला, ठीक है। डी वन कितना हुआ 30 और एस वन कितना है 30, कैलकुलेट कर लो 30 30 कैंसल वन, तो वन, और वहां पे ऊपर पे किसने दिया आवर में दिया, इसीलिए यहाँ पे किसमें आया वन आवर, ये कितना निकला टाइम नंबर वन। सिमिलरली आपको टाइम टू निकालना है, टाइम टू क्या होता है डी टू अपॉन एस टू। अच्छा डी टू तो आपको गिवन था 70 किलोमीटर, आपको एस मतलब स्पीड जो थी सेकेंड केस की वो गिवन नहीं थी, इसीलिए मैंने स्पीड को क्या ले ली एक्स ले ली। आप उसको ए बी सी डी जो लेना आप अपने मन से ले सकते, कोई भी वेरिएबल, या एस का एस भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने एक्स लिया है, तो आपने यहाँ पे क्या ले ली मैंने उसको एक्स। तो इतना मेरे पास क्या है आवर, इतना नंबर पर क्या हो गया टाइम टू हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला प्रीवियसली बता चुकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो मेरे को ऑलरेडी पता हुआ है पहले से ना, टोटल टाइम नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी टोटल टाइम t1 प्लस t2, दोनों केसेस के टाइम को क्या करना है सिंपली ऐड करना है। t1 कितना है 1, t2 कितना है 70 अपॉन x, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 का 1 आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1x आया, 1 को 70 से मल्टीप्लाई करके 71 से 70, 1 को x से, यहाँ पे समझ में आपको पढ़ने से सिंपली क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वन जा एक्स वन एक्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपन को पहले से ही यहाँ पे पता था कितना था 100 किलोमीटर था, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 100 लिख दिया। टोटल टाइम यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया 1x प्लस 70, तो इसको मैं अगेन ब्रैकेट में डाल दे रही हूँ, और यहाँ पे भी आप इस जब नोट डाउन करोगे तो ये मेन लाइन रहेगी, इसी के ऊपर सेम चीज को आपको लिखना है। अच्छा और क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड पहले से गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 40 लिखोगे। अच्छा ये पूरा डिवाइड में है, यहाँ पे पूरा वो मल्टीप्लाई कर जाए 40 × 1x प्लस 70 होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 100। अच्छा इसके पास जीरो, इसके पास आप वो कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं करना है तो आप पूरा, अच्छा नीचे x तो आप यहाँ पे क्या करो शिफ्ट आउट कर दो, तो 100 × x 100x, ये 40 × 1x प्लस 70। अच्छा ये जो 40 है ये क्या कर रहा है पूरे ब्रैकेट के साथ रहा है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 × 1 = 40 और सिंपली x, ये प्लस का सिंबल है इसीलिए मैं प्लस का सिंबल लगाई। 40 × 7 करना है तो आप सिंपली क्या करो 4 × 7 करो, 4 × 7 = 28। अच्छा 40 के पास भी एक जीरो, 70 के पास भी एक जीरो, इनडायरेक्टली 2 जीरो, तो आप 2 जीरो अप्लाई कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे कितना आपका 100x है। अब ये चीज याद रखना x को x के पास भेजना है, नंबर जो अपन के नॉर्मल है जिसके पास x है इसको वहीं का वहीं रखना है, ये प्लस है तो ये 40x जब शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब आपका 100x माइनस 40x हुआ, और यहाँ पे कितना है 2800, तो यहाँ पे आएगा 2800। अच्छा अभी इसको वैसे का वैसे ही रखो, 100x और ये भी x है, x x वाले इसलिए आपका नंबर आपस में कैलकुलेट हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, तो अभी यहाँ पे माइनस है तो 100 माइनस 40 कितना आया 60, और x का x 60 और x आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो जब वो शिफ्ट होगा इधर पे तो आपका किस में हो जाएगा वो डिवाइड में, 0 0 कैंसल, 6 के टेबल में 6, आप किसी भी नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 × 1 = 6 और 280 को अपन डिवाइड करें तो यहाँ पे आया 46.66, और भी आगे आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं x इज इक्वल टू 46.67 करके आप इसको अप्रोक्स चाल सकते हैं। अच्छा जो अपना x था ना वो क्या था स्पीड था, तो स्पीड होने के कारण यहाँ पे जो x है उसकी यूनिट क्या होती है स्पीड की, ओवरऑल क्वेश्चन में अपन जब देखें तो किलोमीटर पर आवर चल रही थी, इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे किलोमीटर पर आवर, इसीलिए मेरा आंसर आएगा स्पीड नंबर टू इज इक्वल टू 46.67 किलोमीटर पर आवर। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल अवर 3 न्यूमेरिकल्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन अवर वीडियो।